मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पंतनगर के गोविंद वल्लभ पंत कृषि और औद्योगिक विश्वविद्यालय के छात्रावास के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जनपद उधम सिंह नगर पहुंचे, जहां उन्होंने लोकार्पण के साथ ही वृक्षारोपण कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया है। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रपुर जिला मुख्यालय में उद्योगपतियों के साथ बैठक कर गंभीर मुद्दों पर चर्चा करते हुए प्रदेश के विकास में उद्योगों की भूमिका बढ़ाने की भी बात कही। सीएम धामी ने जिले भर के उद्योगपतियों से औद्योगिक विकास पर चर्चा करते हुए कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से कई बड़े घराने प्रदेश में अपना इन्वेस्ट करने को तैयार है, जिसके लिए सरकार उनकी हर तरह से सहायता कर रही है। इसके साथ ही जो उद्योग घराने प्रदेश में लंबे समय से चल रहे हैं, उनके सामने आने वाली दिक्कतों को भी दूर किया जाएगा। सीएम धामी ने कहा कि उद्योग किसी भी प्रदेश के विकास की आधारशिला होते हैं, जिसका योगदान प्रदेश के विकास को गति देता है और प्रदेश में रोजगार के अवसर देकर बेरोजगारी को खत्म करने में भी सहायक होते हैं। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। देखिए, इस बार जो हमने ये इन्वेस्टर ग्लोबल समिट डेस्टिनेशन उत्तराखंड जब से शुरू किया है, उसके मूल में हमारा यही है कि जो काम हमारा चल रहा है, जो हमारे निवेशकों के साथ करार हो रहे हैं, वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। 1.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा के अभी तक हमारे करार हो चुके हैं। लेकिन हमारा मुख्य ध्येय है कि इस समिट ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले एक बड़ी जो राशि है वो ग्राउंडिंग हो जाए, और उस काम को हम लोग कर रहे हैं और हमारा ग्राउंडिंग पर जोर है, और जो हमारे करार हो रहे हैं उसको हम राज्य की जो आवश्यकताएं हैं, राज्य के लिए कौन आने वाले समय में दीर्घकाल में जो लाभकारी होने वाले हैं, आजीविका और रोजगार, विशेष कर से यहाँ के नौजवानों को, युवाओं को, हमारी माताओं बहनों को, उनकी आजीविका बढ़े, उनके रोजगार बढ़े, व्यापार बढ़े, युवाओं को विशेष तौर से रोजगार मिले, वो हमारा उस पर भी हमारी प्राथमिकता रहेगी। जो उद्योग समूह या निवेशक इस काम को प्राथमिकता देंगे। लैंड एक्वायरमेंट करने को लेकर क्या? अभी लैंड एक्वायरमेंट की जहाँ पर ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, हमारे पास लैंड बैंक है और भी लैंड बैंक हम बना रहे हैं। लैंड बैंक की कोई कमी नहीं है, इसलिए जिस प्रकार की भी हमारे पास निवेशक आएंगे उनके अनुरूप हम उनको सुविधाएं